खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा में जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर आयोजकों द्वारा माता जी की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जिसे निहारने और दर्शन लाभ लेने के लिए श्रद्धालु रोजाना ही बड़ी संख्या में अपने परिवार सहित पहुंच रहे हैं। वहीं पंडालों में जगह जगह गरबा रास प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। पूरे देश प्रदेश सहित खंडवा में भी नवरात्रि की धूम मची हुई है। यहां भक्तों द्वारा 9 दिन माता रानी के उपवास रखकर शक्ति की उपासना की जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर आयोजकों द्वारा माता रानी की मनभावन प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जिसे रोजाना ही भक्तों द्वारा अपने परिवार सहित पहुंचकर दर्शन लाभ लिया जा रहा है। साथ ही साथ आयोजकों द्वारा पंडालों में स्थायी झांकियों का भी निर्माण कराया गया है। यह झांकियां बड़े बुजुर्ग, युवा सहित बच्चों को काफी आकर्षित कर रही हैं। वहीं जगह जगह पर माता की आराधना करते हुए युवक युवतियों एवं महिला पुरुषों द्वारा माता जी की प्रतिमा के सामने गरबा रास भी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में टिकटॉक और कपिल शर्मा शो से प्रसिद्ध हुई सुरभि एवं समृद्धि उर्फ चिंकी मिंकी भी खंडवा के सबसे बड़े नवरंग गरबा ग्रुप के महोत्सव में शामिल हुई। यहां आकर उनके द्वारा कहा गया कि खंडवा दादाजी धुनीवाले की पवित्र नगरी एवं हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की जन्मस्थली है। यहां आकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पसंद है इसका पता नहीं यार, ये बड़ी दिक्कत हो गई। अब मेरे हर सवाल का जवाब मुझे ऐसे ही मिलने वाला है। ओके चलिए, अब मैं ना इनको दोनों को थोड़ा फंसाने का ट्राई करती हूँ। ओके खंडवा पीपल, हाल ऐसा है, आप दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार खंडवा को कौन करता है? मैं तो करती हूँ, इसका पता नहीं। ऑलराइट, चलता रहेगा। आप सभी से मिलने के लिए आ चुकी है। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन शुभम लाड, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।